बजरंग सेना प्रदेश अध्यक्ष माया गुर्जर के जन्मदिवस के अवसर पर प्रदेश भर में समस्त कार्यकर्ताओं ने 1,00,000 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया व वृक्षारोपण किया गया। धार जिला उपाध्यक्ष सुनील रघुवंशी खंडवा द्वारा पीथमपुर नेशनल हाईवे पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किशोर रघुवंशी खंडवा द्वारा पंचमुखी हनुमान मंदिर बनवाने के लिए जमीन दान दी गई। इस मौके पर बजरंग सेना के अन्य कार्यकर्ता अनिल रघुवंशी, दीपेंद्र रघुवंशी, बबलू रघुवंशी, सुनील रघुवंशी उपस्थित थे। ये सर्वप्रथम तो मेरा जन्मदिन है आज, जो कि मेरे बजरंग सेना के सारे भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन लोगों ने कम से कम 12 से 13 गांवों में आज पौधारोपण का आयोजन किया है। और कई दिन से मेरे दीपेन सोलंकी जी का कहना था कि दीदी हम लॉकडाउन के चलते हुए कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे पदाधिकारी भाई हैं जिनसे मैं मिली भी नहीं। तो आज मैंने ये पौधारोपण इसलिए करवाया कि पूरे मतलब हमारे रणवीर जी पटेरिया है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके तक ये बात पहुंचाई थी और उन्होंने भी बोल के उन ये सारे आयोजन का पूरा कार्यक्रम उन्होंने कम से कम पूरे वर्ल्ड में ही हो रहा है आज, इतना बड़ा आयोजन है हमारे बजरंग सेना के माध्यम से। और हमारे रणवीर जी पटेरिया को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भाई ने बहुत अच्छा आयोजन, जो कि मेरी एक पहल मैंने चालू की है तो उस पर उन्होंने सारा बोला है। 2,00,000 पौधों का रोपण किया गया आज, 1 पौधा दान दिया है, 1 पौधा लगाया है, पूरी 1 सदस्य ने, पूरी बजरंग सेना की टीम ने करा है। 1,00,000 करीबन पौधे लगे हैं आज और 1,00,000 पौधे दान हुए हैं। कल भी हमारा आयोजन चलेगा प्रतिदिन, अभी 2 या 3 दिन मेरा आयोजन इसी तरीके से बजरंग सेना के माध्यम से ये पूरा प्रोग्राम हमारा चलेगा। बजरंग सेना किस तरीके से कार्य करती है? बजरंग सेना की जैसे नर्मदा खंड है, नर्मदा की सुरक्षा करते हैं, नर्मदा में जो गंदगी फैलाते हैं लोग, वहाँ जाके हम हर तट पे जाके साफ सफाई करते हैं। और जैसे कि बजरंग सेना के हम लोग आयोजन करते हैं अपना हनुमान चालीसा करते हैं हर जगह, मेरे हर सुंदरकांड का आयोजन करते हैं, धर्म से जुड़े हुए सारे कार्य बजरंग सेना करती है। आज ऐसे देखा जाए तो योग दिवस भी था, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योग दिवस भी था उसमें भी, उसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि आज योग दिवस में भी मैं बहुत कम समय दे पाई हूँ, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे हमारे बजरंग सेना के लोगों ने योग दिवस में का भी भाग लिया है और उसमें भी काफ़ी सारे लोगों के फ़ोटो आए हैं अभी मेरे पास कि योग भी किए उन्होंने। और इस तरीके से सारी बजरंग सेना लगी हुई है आज अपने अपने कार्य में।